खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से है, जहां टिड्डी दल ने क्षेत्र में इस बार कहर बरपाया है। इसके नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार योजना बना रही है। ये बात केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं को अनाज मंडी में स्थित सांसद सेवा केंद्र में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है, इसमें संभावनाएं तलाशी जा रही है। नगर के घरसाना में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी पहुंचे हैं। तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर विचार विमर्श भी किया गया है। सर, समूचे देश में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, क्या सर आगे व्यवस्थाएं जो है वो की रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके हम टेस्टिंग फैसिलिटी भी बढ़ा रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इसमें जागरूकता सबसे बड़ा एक उपाय है जिसके माध्यम से हम सतर्क रहें, दो गज की दूरी बना के रखें, घरों में ही ज़्यादा रहें, आवश्यकता पड़ने पे ही जो लॉकडाउन जो नियम है उसके तहत बाहर निकलें, जहाँ पाबंदी है उस समय बाहर नहीं निकलें, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, विकास की बात की जाए तो इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा और एक बार बार ये मांग भी उठाई जाती है रेल सेवा, तो उसको लेकर सर क्या विस्तार आगे किया जा रहा है, क्या नीति बनाई जा रही है? रेल सेवा का भी विषय है, नहरों की मरम्मत का भी विषय है, अभी TDI उसको रोकने का भी विषय है, ये बहुत से ऐसे विषय हैं। आपने देखा होगा कल ही हमने MSP बढ़ाई है, वो भी किसानों को लाभ होने वाला ही विषय है। अभी हमने जो नया KCC में एक संशोधन करके 2,00,000 करोड़ का हम जो लिक्विडिटी किसान क्रेडिट कार्ड में डालेंगे वो भी किसानों के हित का ही विषय है। रेड़ी वाले लोग हैं उनको भी हम आत्मनिर्भर भारत अभियान में आपका फाइनेंशियल सुविधा देंगे, वो भी विकास का ही विषय है। हाँ, रेल वाले विषय में अभी 2-3 मीटिंगें हुई है, उसके बाद अभी कोरोना का जब संकट टलेगा तो दूसरी मीटिंग होगी उसके विषय के बाद, फिर यहाँ आपसे बात करेंगे। किसानों की बात की जाए तो किसान जो है कर्जे में लेकर अपने खेतों में जो डिग्गियों का निर्माण करवाया है तो सेंट्रल सरकार द्वारा अभी तक इनकी सब्सिडी नहीं मिली है, सर इसके लिए आगे क्या किया जा रहा है? देखिए, ये जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसने कुछ जो टारगेट बढ़े थे ना उसको लेकर के इन्होंने समीक्षा में डाले, पिछली सरकार ने 6 महीने में लिए हुए निर्णय समीक्षा में डाले, वो डेवलपमेंट वाले मुद्दे नहीं डालने थे समीक्षा में, उससे इनका सिस्टम बिगड़ गया। समय पे ये केंद्र सरकार को सूचना नहीं भेज पाए, जो सूचनाएं मांगी थी वो नहीं भेज पाए, कितना टारगेट था कितना पूरा किया ये भी नहीं भेज पाए, क्योंकि समीक्षा आए, इस कारण से डिले हुआ, इसलिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर तमाम चर्चा, समुचे जो इलाके में जो विकास के कार्य उनको भी कहीं ना कहीं किया जाएगा। मैं मेरे कैमरामैन राकेश के साथ विकास परिक, A1 TV, घरसाना।